लंदन में राहुल के दिए बयान पर संसद में हंगामा। पीयूष गोयल बोले, संसद में आकर मांगिए माफी। दोनों सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। एक तरफ विपक्ष के नेताओं ने अडानी और अन्य मामलों को लेकर संसद के बाहर धरना प्रदर्शन किया, वहीं संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर माफी की मांग की गई। हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। इसी महीने की शुरुआत में राहुल गांधी 3 दिन के लंदन दौरे पर थे। यहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष अपनी आवाज नहीं रख सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कोई नेता किसी भी यूनिवर्सिटी में बोल नहीं सकता है। भारत में लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है। बजट सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। सोनिया गांधी भी इस बैठक में नजर आईं। वहीं बैठक में 16 दल भी शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद विपक्षी नेताओं ने संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।